आप सब, मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम स्कॉलरशिप की बात करेंगे कि स्कॉलरशिप किन किन स्टूडेंटों का आ रहा है और कौन से स्टूडेंटों का बाद में आएगा। तो चलिए हम पहले बात करते हैं कि किन स्टूडेंट का आ चुका है। जिनका फॉर्म बहुत पहले जमा हो चुका है उनका पैसा आने लगा है और बहुत से स्टूडेंटों का पैसा आ चुका है। मैंने अभी पिछला वीडियो अपलोड किया था, उसमें कुछ स्टूडेंट का दिखाया था मैंने आपको कि इनका स्कॉलरशिप आ चुका था। वो ओबीसी के स्टूडेंट थे, उनका स्कॉलरशिप आ चुका है। और ओबीसी वाले जितने स्टूडेंट हैं जिनका पीएफएमएस पे नाम आया है उनकी भी लिस्ट मैंने समाज कल्याण विभाग से निकलवाई है, वो भी अपलोड कर दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोगों का भी स्कॉलरशिप 100% आएगा। अब बात करते हैं कि जिनका नहीं आया है वे लोग क्या करेंगे। अब जिनका नहीं आया है भाई, जैसे अभी पीएफएमएस पे आपका नाम ही नहीं आया है तो आपको अभी फरवरी तक इंतजार करना पड़ेगा। और मेरे यूट्यूब चैनल पे कुछ स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे थे करेक्शन वाले, तो करेक्शन वाले स्टूडेंट का मैं बता दूं कि आप लोगों का डाटा अभी प्रोसेस में है समाज कल्याण विभाग में, अभी आपका करेक्शन नहीं हो पाया है। आपका करेक्शन फरवरी में सही होगा, उसके बाद आपका स्कॉलरशिप आएगा। तो मान लीजिए फरवरी में आ सकता है या मार्च में आ सकता है भाई आप लोगों का स्कॉलरशिप। अब हम चलिए जनरल और एससी की लिस्ट दिखाते हैं आपका कि आप लोगों का स्कॉलरशिप कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका आ चुका है। लिस्ट मैंने समाज कल्याण विभाग से जाके निकलवाई है, आप लोग अभी पूरा लिस्ट देख लेंगे, आपको नाम मालूम चल जाएगा। और मैं अपने दूसरे भाई बहनों को बता दूं जो मेरे दूसरे स्टूडेंट हैं या दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, स्कूल के हैं, सभी कोर्स का स्कॉलरशिप आ रहा है भाई। यहाँ यूजी, पीजी, बीएड, बीपीएड, एमएड, एमपीएड, बीए, बीएससी, बीकॉम, एनम, जेनम, मेडिकल, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट, तो सभी कोर्सों का स्कॉलरशिप चल रहा है, प्रोसेस में है। बहुत से स्टूडेंट का आ भी चुका है। यह वीडियो भी मेरा बनाने का मकसद भी यही है कि मैं आपको लेटेस्ट सूचना, लेटेस्ट जानकारी स्कॉलरशिप की दे सकूं, ताकि आपकी हेल्प हो सके और आपको मालूम चल सके कि आपका स्कॉलरशिप आ रहा है और आप अलर्ट रहें। अच्छा, ये हो गया। दूसरा है कि बहुत से स्टूडेंट परेशान हैं कि सर मैं क्या करूं, मैं स्कॉलरशिप के बारे में समझ नहीं पा रहा हूं, मेरा नहीं आया या कब आएगा या कैसे चेक करूं। ऐसे मेरे YouTube चैनल पे बहुत से स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे हैं सर मुझे जानकारी कैसे मिलेगी। कुछ स्टूडेंट दूसरे जो है जिले के हैं, दूसरे जिले वाले पूछ रहे हैं। तो मैं यूपी के जितने भी स्कूल वाले हैं, जितने स्टूडेंट हैं, मैं सबको बता दूं भाई यह लिस्ट समाज कल्याण विभाग से मिल रही है। तो आप लोग अपने कॉलेज में पता करें, कॉलेज के द्वारा ही पता चल सकता है, मैसेज नहीं आ रहा किसी स्टूडेंट को। एक तो ये हो गया। दूसरा, मैं बार बार बता चुका हूं कि यह पैसा, यह स्कॉलरशिप आधार बेस पे आधारित है, आधार कार्ड से। जो आपका खाता आधार कार्ड से लिंक है उसी खाते में आपका पैसा आ रहा है। अब मान लीजिए आपका दो खाता है तो दोनों खाता में से जो खाता आधार कार्ड से नजदीक होगा या जो केवाईसी या जो है पीएफएमएस के अच्छे से काम कर रहा होगा उसी खाते में आपका पैसा आ जाएगा भाई। वो चाहे नेशनलाइज बैंक हो और चाहे जनधन वाले खाते का पैसा हो। कुछ स्टूडेंटों का जनधन में भी चला आया है। और मैं बता दूं कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो खाता 3 साल 4 साल पहले खुलवाए थे और आधार कार्ड से लिंक है तो वहां भी पैसा जा रहा है। तो आपको रेगुलर अपने जो आधार कार्ड से खाते लिंक है उसको भाई आप चेक करते रहें, उसी में ही पैसा आएगा, आपके पास कोई मैसेज नहीं आएगा। दूसरा मेथड यह है जानने का स्कॉलरशिप, आप एक सरकारी जॉब find.com वेबसाइट है, वहां जाके उमंग ऐप मिलेगा, वहां रजिस्टर्ड करिए अपने आप को, तो वहां से भी जानकारी मिल सकती है। लेकिन वो बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा है, कुछ स्टूडेंटों का जानकारी वहां से भी मिल जा रहा है। अब बात करते हैं पीएफएमएस में स्कॉलरशिप जानने के लिए। तो पीएफएमएस के थ्रू भी आप पैसा जान सकते हैं, परंतु पीएफएमएस भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, कुछ लोगों का दिखा रहा है। कुछ स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बता रहे हैं सर पीएफएमएस भी नहीं शो कर रहा है। तो पीएफएमएस पे चेक करने पे कुछ स्टूडेंट का लिख के आ रहा है कि मोबाइल नॉट रजिस्टर्ड, मोबाइल नॉट रजिस्टर्ड। तो आपको घबराने की बात नहीं है, मोबाइल नॉट रजिस्टर्ड बहुत से स्टूडेंटों का आधार कार्ड या बैंक में खाता लिंक नहीं रहता है मोबाइल से, तो ऐसा लिख के आता है। लेकिन जनरली ये सब में आ रहा है ये चीज, तो आप सभी को घबराना नहीं है कि ये लिख के आया तो मेरा स्कॉलरशिप नहीं आएगा, मोबाइल नॉट रजिस्टर्ड। तो आप पीएफएमएस में जिनका पैसा आ चुका है उन्हीं का शो कर रहा है, जिनका नहीं आया है उनके में अभी मोबाइल नॉट रजिस्टर्ड लिख के आ रहा है। तो आप घबराए नहीं, आपका भी आएगा। हम चलते हैं आगे लिस्ट में भाई, लिस्ट दिखाते हैं कि किन स्टूडेंटों का आ गया है।
जिनका स्कॉलरशिप आ चुका है, लिस्ट ओपन हो चुका है, यहाँ से आप लोग कॉलेज का नाम पढ़ सकते हैं। मैंने रिंग कर दिया है, उसके बाद यहाँ से स्टूडेंट का नाम आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने रिंग लगा दिया, सर्किल लगा दिया, यहाँ पे आप कोर्स देख सकते हैं किस कोर्स के स्टूडेंट हैं, मैंने रिंग कर दिया किस ईयर के हैं, और यहाँ से मैंने सर्किल लगा दिया, इनका कौन कितना कितना पैसा आया है ये आप पूरा देख सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं नाम पहले। अभिषेक मिश्रा हैं, इनका आ गया है, सत्यम त्रिपाठी, शशांक सिंह, हिमांशु, जितेंद्र कुमार तिवारी, शिवम पांडे, अदिति निगम, अभिषेक राय, रेशमा सिंह, निहारिका मिश्रा, सातव सवस्सी, विप्रांत शर्मा, सौरभ मिश्रा, राजीव रंजन श्रीवास्तव, अंकित तिवारी, दीपिका वर्मा, आकाश चौधरी, आदित्य, अमन रावत, प्रियांशु और अमन, आशीष कुमार का आ गया, प्रियंका का आ गया, राम रूप का आ गया, संदीप कुमार का आ गया, अभिषेक कुमार का आ गया, और अभिषेक सरोज का भी आ गया, और शुभम कुमार का आ गया। तो आपने अभी देखा, आगे ऊपर देखिए आप, ये डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं इतने, और अदिति निगम जो है बीएससी की स्टूडेंट हैं, इनका 7,700 आया है। डिप्लोमा वाले सभी पॉलिटेक्निक वालों का यहाँ से आप देख रहे हैं 12,760 रुपया आया है। उसके बाद आगे देखेंगे अभिषेक राय से लेके यहाँ तक आपका विप्रांश तक बीएड की स्टूडेंट है, ये मैंने अलग सर्किल कर दिया, ये बीएड की स्टूडेंट हैं, इनका 34,770 रुपया आया है। और लास्ट में जो है 37,380 रुपया भी बीएड का आया है विप्रांश का। उसके बाद फिर आप पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट हैं, जनरल के आप देख रहे हैं, ये पूरा जनरल के स्टूडेंट हैं। आगे नेक्स्ट एससी वाले स्टूडेंट हैं, यहाँ से दीपिका वर्मा से, ये डीएलएड की स्टूडेंट हैं, आप देख रहे हैं बीटीसी की, इनका 19,400 रुपया आया है। उसके बाद इधर फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, जिनका किसी का 16,000 है, किसी का 14,000 है, किसी का 13,000 है, 13,700 है। तो ऐसे आपने देख लिया लिस्ट कि सभी स्टूडेंटों का पैसा आ चुका है इनका। तो आप लोग जो है जिनका नहीं आया है, अपने आधार वाले खाते को आप चेक करते रहेंगे, उसी में पैसा आ रहा है, और आप लोगों का भी आ जाएगा जिनका नहीं आया है। आप लोगों ने पूरी लिस्ट देख लिया है कि स्कॉलरशिप आ रहा है, और जिनका नहीं आ रहा है उनको इंतजार करना पड़ेगा। एक दूसरी लिस्ट मैं ले आया हूँ, जिनका नाम पीएफएमएस पे आ चुका है, उनका भी स्कॉलरशिप आएगा, बहुत स्टूडेंट उसमें भी हैं, काफी स्टूडेंट हैं, वो लिस्ट मैं अपलोड कर दूंगा। तो मेरे स्टूडेंट आप सभी लोग चेक कर लेना, और जो दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट हैं आप भी अपने कॉलेज में संपर्क करें, वहां से आपको जानकारी स्कॉलरशिप की पूरी मिल जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, ताकि उनको भी स्कॉलरशिप योजनाओं का लाभ मिल सके, उनको भी जानकारी मिल सके। जो स्टूडेंट नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही हेल्पफुल वाली वीडियो आपको अच्छी अच्छी मिलती रहे। दूसरे वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।